नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गाइडेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कि वाईफाई कॉलिंग को कैसे इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सेट को अपडेट कर लीजिए। आप अपने सेटिंग में जाके और सेटिंग में जाने के बाद से आप चले आएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में, और आप यहाँ आपको देखना है कि आपका सेट अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट है तो आपके सेट में अपडेट वाईफाई कॉलिंग का सुविधा आ चुका है। उसको इनेबल करने के लिए चलेंगे हम अपने सेटिंग में। तो सेटिंग में आने के बाद से डुअल सिम एंड नेटवर्क नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सिम पे क्लिक करेंगे, और सिम पे क्लिक करने के बाद से आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं वाईफाई कॉलिंग का, इस पर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद वाईफाई कॉलिंग को इनेबल कर देंगे। उसके बाद से वाईफाई कॉलिंग रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पे वाईफाई कॉलिंग पे ही क्लिक करके और डन कर देंगे। इसी तरीके से दोनों सिम में आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जियो और एयरटेल में यही दोनों सिम है जो सपोर्ट करते हैं। तो दोनों सिम में आप इस तरीके से इनेबल करके और इसको डन कर सकते हैं। फिर हम चले आएंगे बैक में, और बैक में आने के बाद से अपने नंबर को हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद से फिर हम कॉल करके देखेंगे। तो जैसा कि ये कोई एक नंबर है, देखिए कि डायल जो है इस पे हम कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद से जैसे कि ऊपर देखिए ये सिंबल बन के आ गया है वाईफाई कॉलिंग का। तो किसी नंबर पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कॉल जाता है या नहीं। तो चलिए किसी नंबर पे हम कॉल करते हैं। तो आप देखिए जिस नंबर पे हमने कॉल किया था, तो इस नंबर के सामने वाईफाई कॉलिंग का सिंबल बन के आ चुका है। तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके और कॉल कर सकते हैं, इससे आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है कॉलिंग का। तो इस तरीके से अपने हेडसेट में आप वाईफाई कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।